गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज आपको हम नाइन्थ क्लास में मोशन पढ़ा रहे थे और उसमें जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वो ग्राफ है। ग्राफ की बात समझ में आएगी तभी आप एक समान त्वरित गति के लिए जो आपको ग्राफ से डेरिवेशन करने हैं गति के समीकरण का, वो आप समझ पाएंगे। तो आइए हम ग्राफ सिखाएं आपको कि गति में गति की जो बात है, गति की जो बारीकी है, उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप जानते हैं कि ग्राफ दो तरह के यहाँ आपको सीखने हैं। एक है आपका विस्थापन समय ग्राफ, इसको आप एचटी ग्राफ कहते हैं, और दूसरा आपको हम सिखाएंगे वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो ये विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, तो अलग अलग गतियों के लिए आइए दिखाना शुरू करें इसको हम। जैसे नंबर एक, स्थिर अवस्था में तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका टाइम है, ये आपका पोजीशन है, तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो एचटी ग्राफ समय अक्ष के सापेक्ष या के समांतर एक सरल रेखा होता है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट, इन रेस्ट। नंबर दो जो आपको इसी में जानना है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये एस है, ये टी है, तो एक समान गति क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो जितना आप इधर आगे बढ़ेंगे उतना ही इधर भी आगे बढ़ेगा, तो ये ऐसे है कर्व। तो एसटी ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक सरल रेखा होता है। और अगर आप ध्यान दें तो शुरू में टाइम जीरो था, बाद में टाइम टी हो गया, यहां पर ये पोजीशन इसकी एस वन थी, बाद में इसकी पोजीशन ये देखिए यहां पे एस टू हो गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ओ। तो वेग बराबर होता है आपका, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, इसका मतलब एस टू माइनस एस वन अपॉन टी। पहले ये एस वन था, बाद में एस टू गया, ये आ गया। अगर आप गौर करेंगे तो ये एस टू माइनस एस वन माने बी सी, बीसी बटे ये टाइम है, ये एसी, तो ये लंब बटे आधार, ये एंगल अगर थीटा हो दैट बिकम्स लंब बटे आधार, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे लंब बटे आधार, दैट इज टैन थीटा। तो वेग क्या होता है, वेग जो होता है वो एसटी ग्राफ का ढाल, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये पिन पॉइंट्स हैं, ये खूब पूछा जाता है।
और तीसरा और अंतिम केस बता दूं आपको, थर्ड केस असमान गति के लिए, असमान गति के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप समझ रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इक्वल तो असमान गति के लिए एसटी ग्राफ एक वक्र प्राप्त होता है। ध्यान में आ गया होगा आपको। तो ये तीनों केस के लिए मैंने आपको एसटी ग्राफ कैसा होता है ये समझाया आपको। अब समय है आपको वीटी ग्राफ, इसको अच्छे समझिएगा, इसमें ये की पॉइंट है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वीटी ग्राफ जब रेस्ट में है तो वी जीरो ही है, जब वेलोसिटी जीरो है तो फिर ग्राफ ही नहीं है, टाइम चाहे जो करो वेलोसिटी जीरो रहेगी। इसमें आपको जो केस पढ़ना है पहला वो है एक समान गति। और अगर आप बात समझेंगे एक समान गति माने गति वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, टाइम बीत रहा होगा वेलोसिटी फिक्स हो गई, वेलोसिटी फिक्स हो गई, चेंज नहीं हो रही, एक समान गति। तो वीटी ग्राफ एक समय अक्ष के समांतर सरल रेखा, और अगर थोड़ा सा यहां गौर करिए तो ये अगर ग्राफ को हम एबीसी दिखाए, ये बी था, ये बी है, ये टाइम टी है, तो अगर इस एरिया की हम बात करें व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये डी है, ये सी ले लो इसको, तो एरिया क्षेत्रफल वी टी ग्राफ व समय अक्ष के मध्य क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को ओसी, चौड़ाई को सीबी। तो आप देखेंगे कि सीबी जो है या लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ गया वी और ये आ गया टी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दैट्स बिकम्स विस्थापन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वीटी ग्राफ और समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल होता है वो सदैव विस्थापन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आपके न्यूमेरिकल चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नंबर दो, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, वेग परिवर्तन एक समान हो रहा है, वेग परिवर्तन एक समान हो रहा है, ये जितना टाइम बीत रहा है उसी हिसाब से वेग परिवर्तन भी हो रहा है, इधर वेग, ये थीटा, ए बी सी डी ओरिजिन। आप जब देखेंगे वीटी ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है, और यहां पर त्वरण बराबर क्या होता है अगर आप समझेंगे तो वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन पहले u था बाद में v आ गया, v माइनस u बाई टी। और अगर आप ध्यान दें तो v का मतलब ये हो गया आपका bc और समय का मतलब हो गया ac, तो यही लंब बटे आधार यहां भी दैट इज tan थीटा, इसलिए त्वरण बराबर आ जाता है vt ग्राफ
का ढाल स्लोप जैसे आपका एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वैसे ही वी टी ग्राफ का स्लोप त्वरण होता है। और वी टी ग्राफ व समय अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या होता है, ये विस्थापन होता है। तो ये तीन पिन पॉइंट्स हैं, तीन मेन पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अंतिम बात बोल दूं, असमान त्वरण, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन असमान होगा। तो क्या मतलब हुआ कि ये टी हो गया, ये वी हो गया नॉन यूनिफॉर्म ढंग से, शुरू में धीरे धीरे बाद में तेजी से। तो वी टी ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, वी टी ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। तो आपको ग्राफ के बाद पूरी पूरी समझ में आई होगी। इसी आधार पर हम लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो भी आप गति के समीकरण रूप में पढ़ेंगे, खासकर एक समान गति के लिए। और कुछ कॉन्सेप्ट हम आपके लिए त्वरण वाले से चलेंगे, वी टी ग्राफ के स्लोप से, कुछ कॉन्सेप्ट विस्थापन वाले से चलेंगे, वी टी ग्राफ और समय अक्ष के क्षेत्रफल वाले से। तो आपको उस प्रश्न से समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, हमेशा देखिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान दें अगर आप तो 9th स्तर पर, क्लास 9 के स्तर पे गति के ग्राफ आपको समझ जाने चाहिए। और ये पूरा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट गति के ग्राफ का ही था, जबकि जब आप इंटर पहुंच जाते हैं, 11th में पहुंच जाते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर आप यही गति को समाकलन के रूप में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रूप में पढ़ते हैं। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आए, 9th स्तर पे ग्राफ समझ जाने चाहिए और 11th स्तर पे समाकलन समझ जाना चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। और अगर ये पिन पॉइंट्स आपने पकड़ लिए, पहला पिन पॉइंट्स कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ का ढाल ये वेग होता है, वी टी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया ये विस्थापन होता है, ये तीन पिन पॉइंट है। और तीसरा कि वी टी ग्राफ का ढाल दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन त्वरण होता है। फिर से बोल दूं एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ किस केस के लिए कैसा होना चाहिए, 6 ग्राफ से मैंने इस बात को समझाया। पहला पिन पॉइंट स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ वेलोसिटी, दूसरा पिन पॉइंट एरिया अंडर वी टी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस दैट इज डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और तीसरा पिन पॉइंट वी टी ग्राफ का स्लोप ढाल डिवाइड डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दैट इज एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। कई बार मैंने कहा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग गति के समीकरण का डेरिवेशन देखेंगे और उस पर फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, अर्थात ये चैप्टर स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन उस मकान को बनाने के लिए ये बुनियाद है, बुनियाद पे अच्छे से मदद कीजिएगा। गुड लक बच्चों, ध्यान दीजिए, पुनः पुनः देखिए।